अंडर रूट में वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए बराबर सेक की प्लस टेन हमें प्रूव करना है। एल एच एस यहाँ पर हम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा एल एच एस बराबर अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए। ठीक, देखिए इसमें कर देंगे बच्चों हम हर का परिमेयकरण, यानी जो चीज़ हर में लिखी है उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन ये माइनस वाला साइन प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए, गुणा करेंगे तो वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए, ऊपर नीचे हर का क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक, अब देखिए बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, सब में ब्रैकेट लगा दो, ये आपका बनेगा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए दो बार लिखा है तो इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए, ये बन जाएगा वन का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया तो ये ऐसा बन गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा आपका अंडर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर ए, बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोनों को वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा आपका वन प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए। कॉस को दोनों के बटे में अलग अलग लिखेंगे, एक के बटे में अलग हो जाएगा कॉस से और साइन ए के बटे में अलग हो जाएगा। देखिए वन अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन बटे कॉस होता है टेन ए, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है,